अभी मैं जा रहा हूँ 5 नंबर, और बहुत लोग सिंधी जो है उल्लासनगर के वो समझ गए रहेंगे ये टोपी देख के हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम फाइनली अब एंट्री ले रहे हैं ये चालिया मंदिर है अपना 5 नंबर का। आप जो ये डेरा साहब देख रहे हो ये पाकिस्तान से लाया गया था बंटवारे के टाइम। ये जो चादर है ये अभी पूरी 211 फीट की चादर है। तो ये अच्छा है और ये हमको अभी वहाँ पे चढ़ाना है। और सामने देखो मंत्र लिखा हुआ है बैनर में। तो मैं आपको अभी एक स्टोरी बताने वाला हूँ जिसकी वजह से ये चालिया वगैरह रखते हैं। सत श्री अकाल गीता जी, माय नेम इज गुरजीत सिंह, आई एम बैक विद न्यू वीडियो गाइस। सो नए दिन की दादी शुरुआत हो चुकी है। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ 5 नंबर, और बहुत लोग सिंधी जो है उल्लासनगर के वो समझ गए रहेंगे ये टोपी देख के हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सबको धीरे धीरे बताते हैं कि रास्ते में कि वहाँ पे क्या क्या होता है। और अभी मैं क्यों जा रहा हूँ वहाँ पे मैं रास्ते में बताऊँ, क्योंकि बारिश कभी पड़ सकती है। और भाई अभी आए और हमको लेट हो चुके हैं, रात के 10:30 बज गए। तो अभी भाई ने बताया है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहेगी, उसके पहले हमको जाके वहाँ पर एंट्री करनी। पर रास्ते में हम आपको बताएँगे कि वहाँ पर क्या क्या होता है। वैसे मैं आपको बता दूँ कि चालिया होता है 40 दिन का सिंधी लोग का, उसके आगे मैं नहीं बताऊंगा, उसके आगे आपको फुल ब्लॉग देखना पड़ेगा। अभी निकलते हैं, लेट्स गो। रेनकोट पहन के निकल चुके हैं, पर जैसे ही रेनकोट पहना बारिश बंद हो गई। ऐसे ही होता है, इसके लिए मैं रेनकोट जल्दी पहनता ही नहीं हूँ, क्योंकि अभी ना बारिश थोड़ी थोड़ी नॉर्मल हो गई है, मतलब एकदम कंटिन्यू नहीं पड़ रही है। तो मैं आपको बता दूँगा गाइस, ये जो पहना है इन्होंने इसमें लिखा हुआ है जय झूलेलाल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं 5 नंबर में चालिया मंदिर, जो कि चालिया रखते हैं सिंधी लोग 40 दिन के लिए। और अभी जिधर हम जा रहे हैं ना 5 नंबर से, उधर आज 23rd डे है। और एक और जगह चालिया रखते हैं जो कि हमारे 1 नंबर में है चालिया मंदिर, वहाँ पे भी है उसका मतलब 23rd डे। वहाँ पे 20 डे हो गया, यहाँ पे 23rd डे, क्योंकि वहाँ पे पहले रखते हैं चालिया और वहाँ पे 1 नंबर में बाद में रखते हैं। और जब भी चालिया मतलब 40 दिन पूरा होता है ना, तो बहुत बड़ी मतलब हम लोग में नगर कीर्तन निकलता है, और इन लोग में शायद क्या बोलते हो भाई आप लोग, सर्कस जुलूस निकलता है 40th डे में, बहुत बड़ा। तो उसमें तो इतना मज़ा आता है, हम लोग बचपन में इतना मज़ा करते थे गाइस, मतलब पूरा उल्लासनगर आता है वहाँ पे। उल्लासनगर के बाहर बाहर से भी लोग आते हैं, क्योंकि थाने डिस्ट्रिक्ट में शायद ना सबसे ज़्यादा उल्लासनगर में ही सिंधी लोग रहते हैं, तो इसकी वजह से ज़्यादा महानता उल्लासनगर में ही है। पर गाइस जैसे कि लास्ट दिन लेते ना जब 5 नंबर का, तो वहाँ पर मटकी का मेला निकलता है, मतलब सब लोग ना 4 नंबर से लेके बहुत बड़ी लाइन लगती है, और सब लोग अपने सर पे मटकी और कैंडल्स वगैरह लेके ना अंदर तक जाते हैं चालिया मंदिर में। मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे ना बहुत बड़ा मतलब ऐसा गुरुद्वारा जैसे सरोवर रहता है ना, वहाँ पे चालिया मंदिर में बहुत बड़ी एक बना हुआ मतलब पुल जैसा, तो उसको भी हम सरोवर ही बोलेंगे। तो वहाँ पर ना सब लोग अपनी मटकी आगे रखते हैं, बहुत मज़ा आता है। बचपन में जब भी 5 नंबर में मैं रहता था, मतलब मेरी नानी का घर है वहाँ पर, तो हम लोग ने बचपन में बहुत गए वहाँ पर। और जैसे कि 5 नंबर में पहले होता है तो एंडिंग की वहाँ पर पहले ही होती है, फिर मटकी का मेला निकलता है। और जो 1 नंबर से जो झूलेलाल मंदिर है ना, वहाँ से ना फिर तो लास्ट दिन रहता है मतलब इसके 3 दिन बाद, तो वहाँ पे बहुत बड़ा जलूस निकलता है। तो 1 नंबर से जलूस निकलता है, 5 नंबर से सिर्फ मटकी का मेला निकलता है। सो गाइस वहाँ पे इतनी रश है, तो हम लोग को गाड़ी यहाँ पे रुकानी पड़ रही है। और यहाँ पे हमको अच्छा जगह मिल गया वैसे रुकाने के लिए, सेफ भी है अच्छा भी है। तो यहाँ पे आप लोग रुक रहे हैं, अभी रेनकोट उतार रहा पूरा। जैसे ही रेनकोट बना बारिश एकदम बंद हो गई, ऐसा ही होता है मेरे साथ। हम फाइनली अब एंट्री ले रहे हैं ये चालिया मंदिर है अपना 5 नंबर का। यहाँ पे बहुत अच्छा मेला भी लगता है, वहाँ पूरा वहाँ पे स्टॉल वगैरह लगता है लास्ट दिन पे भी, अभी भी, पर अभी बहुत कम है क्योंकि रात हो चुकी है। चलो अभी एंट्री ले रहे हैं अंदर, अभी एंट्री लेते हैं हम लोग, पहले चप्पल उतारेंगे फिर आगे मंदिर में जाएंगे। ये देखो यहाँ पे संगत अगर आपके पास छुट्टे नहीं है तो आप यहाँ पे नोट देख के छुट्टे करा के आगे चढ़ा सकते हो। सो गाइस जो अभी हम लोगों ने एंट्री ली है, ये है चालिया साहब 5 नंबर का चालिया मंदिर। ये सिंधी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जगह है, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो डेरा साहब बना हुआ है जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्पेशली जब बंटवारा हुआ था अपना इंडिया और पाकिस्तान का, तभी सिंधी लोग ने ये डेरा पाकिस्तान से यहाँ पर रखा था। और अभी तक ये पाकिस्तान से जो आए डेरा साहब, इनको सब पूछते हैं, उनके पैर पड़ते हैं, और चालिया साहब में ये रखा गया है और अभी तक इनकी जोत जल रही है। तो बहुत संगत बहुत श्रद्धा से यहाँ पे आती है और ये डेरा साहब में अपने दर्शन करती है। सो गाइस आप भी दर्शन करो ये डेरा साहब जो पाकिस्तान से स्पेशली जो आए हैं और अभी तक ये जल रहे हैं।
और वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग देवता और देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी हैं, मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ, तो अलग अलग है, आप दर्शन करो। एंड जो भी मेरे चैनल पे नया है ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये जो चादर है ये अभी पूरी 211 फीट की चादर है और ये सब लोग हिला के सब लोग के संगत के हाथ लगा के जो वहाँ पे आगे चूल्हे जल का है ना वहाँ पे चढ़ाएंगे सब लोग, ऐसा माना जाता है कि सब लोग के हाथ लग जाएंगे यहाँ पे। अब I'm going to leave you.
लास्ट दिन पे जो होती है वो यहाँ पे ही होती है और आगे है ये अच्छा है और ये हमको अभी यहाँ पे चढ़ना है और सामने देखो मंत्र लिखा हुआ है बैनर तो वो देख के हमको ये अच्छा चढ़ाने दे तो मेरे को इतना अच्छे से आएगा नहीं तो भाई पड़ेंगे और मैं उनको टच करके खुद ही चढ़ाऊँगा Thank you.
अभी बाहर निकल चुके हैं हम लोग ने जो अभी लंगर खाया जो आपने देखा तो वो बिना कांदे लहसुन का रहता है जो कि सिंधी लोग 40 दिन बिना कांदे लहसुन का खाना खाते हैं जो भी चालिया रखते हैं। तो मैं आपको अभी एक स्टोरी बताने वाला हूँ जिसकी वजह से ये चालिया वगैरह रखते हैं और सिंधी लोग का जो इष्ट देवता है झूलेलाल महाराज जिनको हम क्या लाल साईं भी बोलते हैं तो आइए भाई इधर आइए आप कुछ गलती नहीं हो जाए मेरे से। तो जो भी मैंने अपनी सुना है मेरे मन से जो बचपन से मैंने सुना है क्योंकि मैं यहाँ पर रहता था मेरी नानी का घर था और बचपन से मैं रहता हूँ यहाँ पे सिंधी लोग को जानता हूँ। उल्लासनगर में जो रहे उसको सिंधी नहीं आया ऐसा हो नहीं सकता। तो जब भी मतलब कुछ संकट आया था बहुत ज़्यादा सिंधी लोग के ऊपर तो शायद तभी मुसलमान का ही रास्ता ना शायद मुगलों का ही रास्ता तो उन्होंने बोला कि सिंधी लोग कन्वर्ट हो जाओ। तो जब भी पाकिस्तान की बात ही है तो सब सिंधी लोग को बोला था कि कन्वर्ट हो जाओ तो उन लोग को 40 दिन का टाइम दिया था। तो तभी सिंधी लोग ने बहुत सारे जितने भी सिंधी थे सब लोग ने व्रत रखा था और पूजा पाठ किया था बहुत आराधना की थी भगवान की हमारी रक्षा करो हमारी रक्षा करो। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सब लोग ने खाना वगैरह नहीं खाया था और कांदे लहसुन का त्याग किया था बहुत जनों ने तो ऐसा भी उपवास रखा था कि कुछ खाया भी नहीं था। तो उसको चलते ही 40 दिन का जब भी हुआ चालिया पूरा 40 दिन के बाद समुंदर से प्रकट हुए आपके झूलेलाल देव जी। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ भाई? जी जी। तो पल्लव साहब के ऊपर झूलेलाल महाराज आए थे और जब भी वो आए उन्होंने अवतार लिया उनके बाद लोग ने रक्षा हुई। मतलब बोलते हैं कि अगर झूलेलाल देव जी नहीं आते तो आज सिंधी लोग का वजूद नहीं रहता था। तो इसके लिए सिंधी लोग बहुत मानते हैं अपना इष्ट देव मानते हैं उनको तो इसकी वजह से ही चालिया रखते हैं हर साल सब लोग वही चीज़ को याद करते हैं। बस यही थी इसकी छोटी स्टोरी और सिंधी लोग का ये बहुत बड़ा मेले जैसा ये लोग मनाते हैं। सो होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। जो भी मेरे से गलती वगैरह हुई रहेगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। ये भाई भी हमारे सिंधी हैं तो इन्होंने मेरे को सजेस्ट किया के लिए रिकमेंड किया कि ये वीडियो बनाओ चालिया साहब की क्योंकि अपने सिंधी बाहर भी बहुत रहते हैं और एक्चुअली उल्लासनगर में बहुत ज़्यादा निकलता है तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना और ज़रूर शेयर करना सबको। मिलते हैं नए ब्लॉग में जब तक के लिए बाय।